गाइस ये देखो एक ये वाला भी ट्राई किया मैंने कुर्ता, ये कैसा लग रहा है? क्या रहा है ये भी? यार तो ये पहनो, ये पहनो। शादी है इसकी? आपके इसी सूट के साथ निकाली है मैंने। यार तो क्या बता ही दो यार, आप क्या कब तक छुपाओगे यार? अस्सलाम वालेकुम गाइस, यार मैं कराची आया हूँ अभी और मैंने कहा रास्ते में आपको क्या बोरिंग सारा सफर वगैरह दिखाता रहूंगा, बार बार दिखाता हूँ अक्सर, तो मैंने सोचा कि यहीं पे आकर डायरेक्ट ब्लॉग शुरू करेंगे। इमरजेंसी में आना पड़ा मुझे और ज़्यादा कुछ टाइम था नहीं मेरे पास, तो मैं बस आ गया और मैंने अभी यहीं से ब्लॉग शुरू किया आपके लिए। मैं अभी आया हूँ इनाम भाई के घर, जिनके साथ मैं उमरा करने गया था लास्ट टाइम, और ये हमारे जवाब भाई इधर बैठे हैं। आज मैंने वापस भी जाना है, सिर्फ 2 घंटे हैं मेरे पास और मैंने ना ईद की शॉपिंग नहीं की अभी तक, तो मैंने कहा चलो यहाँ आया हुआ तो रेडीमेड सूट ले जाता हूँ कुछ कमीज़ शलवार। तो अभी हम जा रहे हैं, अगर मिल गया तो अच्छी बात है, अगर ना मिला तो टाइम ज़्यादा है नहीं, सिर्फ 2 घंटे हैं, बस वाली जगह पे भी पहुंचना है मैंने। मतलब ये देखो यार कराची का मौसम, कराची में गर्मी है हमारे उधर एरिया से ज़्यादा। वैसे मैंने मम्मा से बात की थी, वहाँ पे भी हो रही है गर्मी। ये इनाम भाई भी आ गए। इनाम भाई वालेकुम अस्सलाम, हम तो मिल नहीं है, मैंने कहा आपको वीडियो में दिखा देते हैं जरा। सबसे वीडियो तो क्या दिखा कर हमें यार, जवाब भाई को दिखाओ, हमें दिखाई नहीं क्या करना है आपके। हम हाँ मेहमान हैं तो हम आपको भी तो दिखाएंगे ना, ये तो आपकी मेहरबानी है, हम अपना जो है वक्त देते हैं, हमें शफकत और मोहब्बत करके। मैंने कहा इनाम भाई के साथ हम उमरा पे गए थे तो उनके घर आए हैं अभी, तो उनसे इंशाल्लाह कब चलना है, बाहर का क्या प्रोग्राम बनाया है, जब अल्लाह ताला चाहेंगे इंशाल्लाह जरूर। चलो ईद के बाद इंशाल्लाह कुछ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जवाद भाई वाइपर बंद कर दो, मट्टी है, स्क्रैच पड़ते हैं, दिखाओ मैं करूँ। गाइस अभी हम लोग जे डॉट पे आए हुए और मैंने ये कमीज ट्राई की है, ये देखो, और एक ये इनाम भाई ने ला के दिए। इनाम भाई कह रहे हैं ये भी ट्राई करके देखो, मैंने अभी ये पहन लिया, अभी मैं आपको ये वाली पहन के दिखाता हूँ। हम भाई ये भी चेक करें, ये वाला, हाँ ये देखें, ये मैं ढूंढ रहा था, मिल नहीं रहा था, स्मॉल में, स्मॉल है ये, ये मीडियम है, आप मीडियम पे ट्राई यार, मीडियम बड़ा ज्यादा है, ट्राई तो ये देखो ये स्मॉल पहना हुआ मैंने, ये भी थोड़ा सा मतलब सही है, लेकिन ट्राई करें, आप ट्राई करके चेक करें। चलो पहनता हूँ, देखता हूँ, बता रहा हूँ मैं, एक मिनट पहन। चलो गाइस ये वाला पहना है, ये मुझे बहुत पसंद आ रहा है, ये इस कलर में है ना इनाम भाई, अच्छा लग रहा है ना ये कलर, अच्छा आप भी ले लो कैसा आपने लिया, ये कलर ये भी अच्छा है, वो ब्लू भी अच्छा है, उसको भी ट्राई करो, वो लार्ज है, मीडियम है ना, ट्राई करने को मीडियम और उसको पता चले कितना फर्क है। ये देखो आप लोग बताओ कैसा लग रहा है, मैं भी ये वाला ट्राई करता हूँ, तो ये भी देखता हूँ। गाइस ये वाला मैंने नहीं ट्राई किया, ये मीडियम था लेकिन ये बहुत बड़ा है मुझे, ये स्मॉल साइज सही है मेरे लिए। नाम भाई आप तो बैठ के थक गए, आप शेरवानी तो चॉइस कर लो यार, शादी के लिए क्या करोगे? नाम भाई बहुत महंगी है, तो मैंने अभी कौन सा शादी करनी है, ये बात तो शादी है इसकी, शेरवानी निकाल दो ना, शेरवानी सही है, आपके इसी सूट के साथ निकाली है मैंने। और भाई ये मैंने क्या करना है पहन के, नहीं तो आपको पहननी है भाई, अभी कौन सा हो रहा है, अभी कौन सा हो रहा है, मस्जिद में तो इसी सूट में आएगा, हॉल में तो इसी सूट में जाएगा, हॉल में तो पहन के जानी है, हॉल में पहन के जानी वाकई। मेरा कौन सा शादी हो रही है अभी, यार तो क्या बता ही दो यार, आप क्या कब तक छुपाओगे यार, हो रही है क्या छुपा रहा है भाई, आप तो मेरे व्यूअर्स को शक में डाल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, क्यों शादी तो करनी है, शादी नहीं करनी, लेकिन अभी तो नहीं हो रही, अभी तो नहीं हो रही, आप भी छोड़ देखो ना, आप बैठ गए, थके हो गए, मैं देखूं आपके लिए क्या, आप भी शेरवानी का करो, जवान का यार मेरा सन का कंप्लीट करो। गाइस ये देखो एक ये वाला भी ट्राई किया मैंने कुर्ता, ये कैसा लग रहा है, क्या रहा है ये भी, यार तो ये पहनो, हां पहनो, ये पहनो, शादी तो होनी नहीं, वैसे ट्राई करवा लो, सही हो गया, नहीं ये नहीं अच्छा लग रहा, ये नहीं, ये अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा, नहीं ये वाला भाई, ये वाला दूसरा बनाते हैं यार, ये भाई ये तो तुमने मुझे मौलाना बना दिया, देखो इनाम भाई बेहतरीन है, अच्छा लग रहा है, मेरी शादी नहीं है अभी, नहीं नहीं शादी नहीं है अभी, दो सिंपल सिंपल हो गए हैं, एक कढ़ाई वाला भी होना चाहिए, गला वाला बनाओ, बना होना चाहिए। गाइस अभी अभी शॉपिंग कर ली है और अभी बस टाइम रह गया, सिर्फ कितना रह गया, 20 मिनट रह गए, 20-25 मिनट, तो अभी पहुंचना भी है और घर से बैग भी उठाना है अपना मैंने, शादी में फिर आएंगे ना, किसकी शादी में, आपकी यार, मेरी मेरी शादी में तो मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली आएगी, नहीं वो तो है, मगर आपने क्यों छुपा क्यों रहे हैं, क्या वजह है, इनाम भाई है ही नहीं है यार, आप शक डाल रहे हो, नहीं हकीकत में है वाकई, ये क्या कह रहे हो, ये जवाब भाई देखो यार, इनको समझाओ यार, ये मेरे बारे में कोई ना कोई चीज तो है, मुझे भी कोई ना कोई शक तो है, तुम भी मिल गए साथ यार, मर गया किसी ने कहा आसान है, लोगों ने सच्ची में समझना शुरू कर देना, मेरी शादी हो रही है और मैं बता नहीं रहा, नहीं नहीं कोई बात तो है, इंतजार रहेगा, इंतजार रहेगा, ये बात है, कभी तो होगी ना, अब ऐसे तो ना बोलो कि अभी हो रही है, गर्लफ्रेंड रखी हुई नहीं है, ये बताओ, नहीं नाम पे रमजान चल रहा है ना, रमजान वैसे गर्लफ्रेंड है नहीं, ईद के बाद आ जाएगी वापस, ईद के बाद आ जाएगी यार, रमजान भी छुट्टियों में गई है, इनाम भाई मैं गर्लफ्रेंड्स वाले चक्करों में नहीं पड़ता, अच्छा क्यों, नहीं अच्छी बात है यार, नहीं इनाम भाई बर्बाद हो जाता बंदा, कहाँ आई है ऑफर इनाम भाई, सुना है मैंने, पता नहीं अब हकीकत क्या है, अल्लाह बेहतर जानता है, इनाम भाई आपको कौन बता रहे हैं मेरे बारे में, मैसेज आते हैं, दाल में खा रहा है, पूरी दाल खा रही है,
यार इनाम भाई जवाब भाई बहुत शक डाल रहे हैं लोगों को। तो गाइस अभी इनाम भाई के घर आए हैं, तो अभी मैं अपना जल्दी से बस बैग वगैरह पैक कर लेता हूँ। ओके चलो हो गया, चलो मुझे छोड़ के भी आओ। चलो भाई चलो, तुम्हें छोड़ के आऊं, मैं बस तक उठा के आऊं। नहीं वो करोड़ लैया करोड़ लाल ईसन, करोड़ लाल ईसन। अभी बस वाली जगह पे आ गए हैं। जवाद भाई आप चले जाओ, मैं भी चला जाऊंगा, मिलते हैं इंशाल्लाह। ठीक है ओके, बाकी अपना एरिया से पहुंचना, पहुंच के बता दूंगा आपको। पूरी बस खाली है, ये 28 नंबर सीट है मेरी। घर की तरफ चलते हैं बस। अगर आप लोग भी चाहते हो घर बैठकर पैसे कमाना, तो मैं आप लोगों को एक साइट के बारे में बताता हूँ जिसका नाम है बाइनोमो। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट के अंदर पिन कर दूंगा, तो आप लोग वहाँ से भी जाके ज्वाइन कर सकते हो। आपने सबसे पहले तो अपना अकाउंट के अंदर बना लेना, डेमो अकाउंट के अंदर आपको पहले से पड़े हुए पैसे मिल जाएंगे, जिससे आप ट्रेडिंग करना सीख सकते हो। जब सीख जाओगे तो अपनी रियल इन्वेस्टमेंट करके आप प्रॉफिट कमा सकते हो। अब इसमें आपको बस करना यह होता है कि ग्राफ को प्रेडिक्ट करना होता है कि ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। तो अगर आपकी प्रेडिक्शन सही हुई तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। मुझे लग रहा है कि ये ग्राफ जो है ना ऊपर की तरफ जाने वाला, तो मैं इसमें ऊपर की तरफ 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर देता हूँ। इन्वेस्ट करने के बाद 18,200 का प्रॉफिट हुआ है। बायनोमो ने नई न्यू चीज ऐड की है कि जब आप इसके अंदर अपने दोस्तों को इनवाइट करोगे और न्यू ट्रेडर ज्वाइन करेगा ना आपके इनविटेशन से, तो उसके जरिए आप लोग 10 से 20 डॉलर भी अर्न कर सकते हो। आप बायनोमो के यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप लोगों को शो होगा कि टूर्नामेंट वगैरह यहाँ पे होते रहते हैं बायनोमो के अंदर, तो इसके अंदर भी आप काफी ज्यादा जो है रिवॉर्ड्स वगैरह अर्न कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में लिंक लगा दी है, तो वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हो आप लोग। गाइस यार वहाँ से मैं इतना लेट पहुँचा था ना, आके मैं कपड़े शपड़े चेंज करके सोया। अभी इफ्तारी का टाइम होने वाला है, मैं अभी बाहर बादल भी आए हैं, माशाल्लाह बारिश होने वाली है। तारी के लिए मम्मा ने कहा कि जल्दी जल्दी समोसे ले आओ, अब लेट उठे हो, तो मैं जल्दी जल्दी जा रहा हूँ समोसे शमोसे लेते हैं, बहुत ज़्यादा देर होगी। 15-16 घंटे गाड़ी वाले ने बहुत देर लगा थी। ये देखो गली में बच्चे कैसे खेल रहे हैं, क्या चीज़ है ये, डिस्क उड़ा रहे हो। बहुत ज़्यादा अंधेरा लग रहा है बादलों की वजह से ना, मैं बस जल्दी जल्दी जाता हूँ सामान ले लेता हूँ तारी का। चलो भाई समोसे ले लिए हैं और गंडेरियाँ ले ली हैं, बस जल्दी जल्दी जा रहा हूँ मैं, और मुझे लग रहा है अभी थोड़ी देर में बारिश भी हो जाएगी। चलो कोई नहीं, रात को भी दिल कर रहा होता है। ये क्या बनाया आपने, दाल की है चिकन वाली है, चिकन और दाल मिक्स जी बेकरी से लाया हूँ। दही भल्ले तो नहीं लेने थे, अब मैं देर से उठा तो फिर अब घर में तो बन नहीं सकते, फिर मैं बाहर से लाया हूँ। समोसे मम्मा ने डाल दिए, इसमें क्या है मम्मा खोलना है, दिखाना इसमें जल्दी जल्दी दिखाना, इसमें क्या है बिरयानी। ये कहाँ से आई है? आप लोगों ने अक्सर नोट किया होगा मेरी वीडियो के बैकग्राउंड के अंदर कि लाइट की जो है ना कमी होती है, ऐसा फील हुआ ना आप लोगों को। देखो अब ये अच्छा भला कमरा है, लेकिन इसकी ये जगह जो है ना पूरी डार्क डार्क दिख रही है, यहाँ पे लाइट नहीं ज्यादा, सिर्फ पूरे कमरे में ये एक बल्ब लगा हुआ है। ये घर बहुत अच्छे बने हैं पुराने दौर के ना, ये देखो इनकी दीवारें जो है ना इतनी मोटी मोटी है ना माशाल्लाह। अब ये देखो एक वॉल है, यहाँ से लेकर ये यहाँ तक दीवार है, आपको नजर आ रही है कि नहीं, देखो इसकी मोटाई चेक कर लो, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक मोटी दीवार है। और इन दीवारों का फायदा पता क्या होता है, गर्मियों में ये ठंडे रहते हैं घर, मतलब गर्मी तो लगती है लेकिन उतनी नहीं लगती जितनी नॉर्मल घरों में होती जो पतले पतली दीवारों के बने हुए हैं, और सर्दियों में ये गर्म हो जाते हैं अंदर से। तो इसमें ना सिर्फ लाइट की कमी है, इस रूम में भी लाइट कम है। अब ये छोटा रूम है लेकिन जो है ना इसके अंदर भी एक ही बल्ब है, यहाँ पे ये लगा हुआ ये खराब है। तो मैं सोच रहा हूँ कि घर की जो है ना लाइट्स सही करवाते हैं सारी, ताकि जो है ना वीडियो बनाने में तो मजा है ना, अच्छा लगे सारा रूम। यहाँ पे एक बल्ब है, एक ये होल्डर लगा हुआ लेकिन ये खराब है। अभी मैं गया था इलेक्ट्रिशियन को लेने के लिए जो बिजली का काम करते हैं, तो वो लड़का कहता है कि रोजा खोला है और अभी बारिश भी हो रही है, बाहर बारिश शुरू हो गई देख लो, तो हम अभी आ नहीं सकते, आप सुबह आ जाना 9, 9:30, 10 बजे, तो हम आके आपका काम सारा कर देंगे। ये ट्यूब लाइट्स लगी हुई है, ये एक लगी हुई है, ये एक लगी हुई है, ये खराब है, इसके ऊपर मट्टी है थोड़ी, ये साफ भी करनी है। और ये जब होल्डर ठीक होगा और ये लाइट्स ठीक होंगी ना, तो इस कमरे में बहुत ज़्यादा रोशनी हो जाएगी, और इतनी मेरे ख्याल में काफ़ी होगी, क्योंकि वीडियो नहीं भी बनानी तो भी लाइट कम होना, तो आंखों को रात के टाइम बड़ा अजीब सा फील हो रहा है, ऐसे लग रहा था जैसे बंदा ना किसी डार्क डार्क से रूम में बैठा हुआ है। हम सुबह इसका काम करवाएंगे सारा लाइट्स का, और फिर मैं आपको बिफोर एंड आफ्टर की वीडियो दिखाऊंगा कि कितना फर्क पड़ गया। अल्ट्रा वाइड में देख लो एक बार कि ये कमरा काफ़ी ज़्यादा डार्क है, मतलब नज़र तो आ रहा है सब कुछ लेकिन उतना नहीं अच्छा नज़र आ रहा जितना आना चाहिए, तो लाइट से बहुत फ़र्क पड़ेगा, मैं आपको कल दिखाऊंगा।